तो दोस्तों इन्फिनिक्स 08 फाइनली इंडोनेशिया के अंदर कल लॉन्च हो गया है और जिस प्राइस पर यह जो फीचर्स दे रहा है उसे देखकर सभी लोग हैरान हैं और बहुत ही जल्दी यह इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है और कितनी प्राइस में मिलता है और कब इंडिया में लॉन्च होगा इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी अगर सबसे पहले बात करें इस फ़ोन के डिज़ाइन की तो आप देख सकते हैं कि दिखने में यह फ़ोन हमें काफ़ी प्रीमियम सा देखने को मिलता है और इसके अंदर हमें 6.85 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलती है जो कि 90 हर्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है और 180 हर्ज टच डिस्प्ले के साथ देखने को मिलती है। इसके साथ ही इसके अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। इसके अलावा फ़ोन के अंदर हमें MediaTek का Helio G90T चिपसेट देखने को मिलता है जो कि एक दमदार चिपसेट है और 15-16 हज़ार की प्राइस में ये एक डिसेंट प्रोसेसर हमको देखने को मिलता है। इसके साथ ही फ़ोन Android 10 पर आता है और इसमें इन्फिनिक्स का खुद का XOS देखने को मिलता है। और अगर बात करें इसके अंतु स्कोर की तो इसके अंदर हमें 2,80,000 के आसपास अंतु स्कोर देखने को मिलता है। अभी दोस्तों अगर बात करें कैमरा की तो कैमरे ने हमें काफ़ी शॉक किया है। इसके अंदर हमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जो कि सोनी की सेंसर IMX686 के साथ आता है। इसके साथ दोस्तों इसमें हमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है और 2 का डेप्थ सेंसर मिलता है और 1 लो लाइट सेंसर देखने को मिलता है। और अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरे की तो फ्रंट में भी इसमें हमें डुअल कैमरा मिलता है जिसमें हमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। तो दोस्तों कैमरे में इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। इसके साथ इसके हम फ्रंट और रियर दोनों से हम 4K रिकॉर्डिंग शूट कर सकते हैं जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों यह फोन Realme 7 Pro को काफी अच्छी टक्कर देगा और इसके फ्रंट कैमरे की पिक्चर क्वालिटी कैसी होगी ये तो फोन लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। इसके साथ ही इसके अंदर हमें 4500mAh की बैटरी मिलती है जो कि 33W के चार्जर के साथ आती है। तो इसके अंदर हमें एक डिसेंट लेवल की बैटरी देखने को मिलती है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको लगभग एक दिन के आसपास ये बैटरी चल जाएगी। इसके साथ ही इसके अंदर हमें टाइप सी देखने को मिलती है और इसके अंदर हमें सभी सेंसर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यह फोन पूरी तरह से Realme 7 Pro को टक्कर देगा। तो इन्फिनिक्स ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है। और अभी अगर प्राइस की बात करें तो इंडोनेशिया के अंदर यह फोन 8GB 128GB के एक ही वेरियंट्स में मिलता है जो कि हमें इंडियन रुपीज़ में 19,000 के आसपास देखने को मिलता है। और इसकी फर्स्ट और सेकेंड सेल के अंदर अगर ये फोन परचेज करते हैं तो ये फोन हमें 15,000 में देखने को मिलता है। तो गाइज इंडिया के अंदर भी यह फोन 18-19,000 के आसपास देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों लीक्स निकल के आ रहे हैं कि ये फोन इंडिया में अक्टूबर में लॉन्च होगा। तो दोस्तों देखते हैं कि इन्फिनिक्स इस फोन को इंडिया के अंदर कब लॉन्च करता है और किस प्राइस पर लॉन्च करता है। तो दोस्तों आपके हिसाब से यह फोन किस प्राइस में इंडिया में लॉन्च होगा और आपको यह फोन कैसा लगा और वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों दोनों ही चीज आप जल्दी से कर दें क्योंकि हम इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं। तो दोस्तों यही था इन्फिनिक्स 08 के बारे में। तो मिलते हैं एक नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।